वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी, क्या उन्हीं के साथ आपका विवाह होगा। हमें जानने की कोशिश करेंगे, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूं, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल पर विश्वास ना करें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। किंग ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, लवर्स, ओके, हियर वी हैव वन कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, एंड हियर वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। Page of Wands and the World card, the Lovers, Ten of Wands, Two of Swords and King of Wands. ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी। देखिए व्यूअर्स, पहली चीज मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई दो ऑप्शंस हैं। आई कैन सी द टू ऑप्शंस इन योर लाइफ। आई कैन सी कि कोई दो लोग हैं जिनको लेकर आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन है या कोई प्रेजेंट का, हो सकता है कोई प्रेजेंट का है या कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आया है। तो मुझे लगता है दो लोगों को लेकर आप कंफ्यूज हैं, दो सिचुएशंस को लेकर, या कुछ तो यहाँ पर कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या कौन आपके लिए ठीक रहेगा। अगर ये भी नहीं है तो मुझे इतना तो नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दो ऑप्शंस हैं। आई कैन सी टू ऑप्शंस क्लियरली, टू ऑप्शंस, टू सिचुएशंस, टू पीपल, ओके, टू पर्सन, टू पर्सन्स मुझे ऐसा लगता है। एंड यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर अनेबल टू टेक अ डिसीजन, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेदर दे आर द वन फॉर यू और नॉट। लाइक कौन है जो आपके लिए सही है या कौन है जिसके साथ आपको आगे मूव करना है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जिस पर्सन के लिए आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, मुझे लगता है कि इनमें से अगर दो ऑप्शंस हैं, ओके, इफ़ देयर आर टू ऑप्शंस, तो मुझे लगता है कोई एक ऐसा है उनमें से जिनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, कुछ स्पिरिचुअल स्टफ, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके साथ है। ओके, अगर दो ऑप्शंस हैं तो उनमें से एक के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कई बार आपने इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश भी की है, लाइक मूविंग ऑन एंड गोइंग अवे, यू नो, स्टेपिंग बैक, ओके, स्टेप बैक किया है आपने, मूव ऑन किया है। आई कैन सी कि अभी भी वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है, बट इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आप फील करते हो, बट आपको लगता है ये पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग है, अग्रेसिव है, रूड है,
पोलाइट नहीं है, स्वीट नहीं है और यू नो रोमांटिक नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनके साथ आप बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो शादी है, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? पहली बात तो ये शायद आप किन्हीं दो लोगों को लेकर कंफ्यूज हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये रीडिंग आपकी नहीं है, शायद ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रही है, आपके लिए कोई और रीडिंग होगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दो लोगों में अभी भी कंफ्यूज हैं और आप अभी तक मन नहीं बना पाए हैं। फिर भी मुझे यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि आपकी जो शादी होगी ना, वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर से हो सकती है। अगर आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन है, लाइक स्पिरिचुअल पार्टनर है, नॉट द स्पिरिचुअल पर्सन, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके साथ शादी होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, रैदर देन कोई ऐसा इंसान जो ठीक है कोई एक्स है या कोई यू नो कोई न्यू आपको मिला है, मुझे लगता है कि उनके साथ शादी होने के चांसेस कम है। ओके उनके साथ हो सकती है जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, हाँ, लेकिन आप उनको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। पॉसिबिलिटी उनके साथ है शादी की, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपको केमिस्ट्री और अट्रैक्शन तो नज़र आता है उस पर्सन के साथ, लेकिन आपको बहुत लव, अफेक्शन, केयर वो कम नज़र आते हैं। काफ़ी ज़िद्दी हैं वो, काफ़ी गुस्से वाले हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनके साथ आपकी शादी के ज़्यादा चांसेस हैं, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर स्टिल कन्फ्यूज, आई कैन सी दैट। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की शादी लॉन्ग डिस्टेंस कहीं पर हो, लाइक जहाँ आप रहते हैं उस सिटी से बाहर, उस टाउन से बाहर, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर आप ये किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ शादी करके आपको बाहर जाना पड़ेगा, लाइक आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ विलेज, टाउन, तो मुझे लगता है कि यस, उनके साथ आपकी शादी पॉसिबल है। ओके अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो जिनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या फिर जिनसे शादी करने के बाद आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ सकता है लाइक कहीं दूर, तो मुझे लग रहा है कि यस, देर आर चांसेस, देर इज सो मच अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री बिटवीन यू गाइस। आई कैन सी द पैशन, आई कैन सी द केमिस्ट्री दिख रहा है, लेकिन आप इसी वजह से कन्फ्यूज हैं क्योंकि ये पर्सन आपको ना ज़्यादा रोमांटिक या ज़्यादा लविंग नहीं लगते हैं। आपको लगता है ये रूड है, क्लोज ऑफ है और यू नो बहुत ज़्यादा जिद्दी है या एरोगेंट है, थोड़ा आपको ऐसा लगता है शायद, इसीलिए आप इजीली कन्विंस नहीं हो रहे हो। बट यू फील द अट्रैक्शन, आप अट्रैक्शन फील करते हो उनकी तरफ और देर इज़ समवन न्यू। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई एक ऐसा भी है जो न्यू आपकी लाइफ में है, या किसी नए पर्सन से अगर बातचीत हुई है या कोई नया रिश्ता आया है, बट देर इज़ समवन न्यू जिनके साथ हो सकता है फ्लर्ट किया है, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं आपसे, आपको पूरा इम्प्रेस किया है, आपके साथ फ्लर्ट किया है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो मुझे कोई न्यू एनर्जी भी नज़र आ रही है। बट मुझे शादी के चांसेस उनके साथ ज़्यादा लग रहे हैं जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जो जिनके साथ शादी करके कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है, लाइक कहीं दूर जाना पड़ सकता है, और जो थोड़े ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, थोड़ा एटीट्यूड इशू है उनको, ईगो इशू, और थोड़ा अग्रेसिव है, जल्दी गुस्सा आता है, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, लाइक इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है वो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान है अपने आप में ही। तो उनके साथ शादी के ज़्यादा चांसेस हैं रैदर देन कोई न्यू एनर्जी अगर है तो उनके साथ मुझे नहीं नज़र आ रहे चांसेस इतने, पर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया है ये भी नज़र आ रहा है।
चलिए मैं आगे और इसे सिचुएशन को क्लियर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर है, दिख रहा है. आप किसी एक को डिसअपॉइंट करने वाले हो या फिर किसी एक ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है. अगर आपके लाइफ में दो ऑप्शंस हैं तो हो सकता है किसी एक ने आपको बहुत निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है. ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक को रिजेक्ट कर दो और वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाए, वो बहुत निराश हो जाए. रिजेक्ट कर दो, लाइक उनके साथ आगे रिश्ता ना बढ़ाओ. सॉरी, आई होप ये कोल्ड जल्दी ठीक हो, बिकॉज ऐसे आवाज में रीडिंग करने में कोई मजा नहीं आता. मुझे तो लगता है पता नहीं आपको क्लियरली सुनाई दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ऑफकोर्स यहाँ शादी की चांसेस हैं और ये उन्हीं के साथ शादी के चांसेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो ऑफकोर्स अगर सिर्फ एक ही पर्सन है और उनके साथ आपका ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो थोड़े इस टाइप के हैं जो मैंने उनकी पर्सनालिटी एक्सप्लेन की, यस व्यूअर्स उनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं. ओके, इफ देयर इज ओनली वन पर्सन, यस यू हैव द चांसेस ऑफ मैरिंग देम. ओके, अगैन समवन हु इज वेरी स्ट्रांग, समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, समवन हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ दैट इज योर पर्सन, यस देन डेफिनेटली यस. बट ये बहुत जल्दी नहीं होगी, इतना मैं कह सकती हूँ कि चांसेस हैं, हो सकते हैं शादी, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी नहीं होगी, टाइम लगेगा. हो सकता है अगर आप अभी स्टक हैं या कंफ्यूज हैं तो कुछ और समय तक आप कंफ्यूज रहें, पॉसिबिलिटी है. हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो वो किसी एक अच्छी पोजिशन पर हो या उनका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा हो, किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कोर्ट में जज, जस्टिस, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि किस कोर्ट में भी हो सकते हैं, लाइक लॉयर हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि कोर्ट में हो सकते हैं या लॉयर हो सकते हैं या और क्या क्या हो सकता है, लाइक कुछ गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर कानून बहुत काम आता है, वहाँ पर उनका कुछ हो सकता है इन्वॉल्वमेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं. या मुझे ऐसा लगता है कि ये पुलिस या आर्मी या कुछ ऐसा हो सकता है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में भी हैं तो भी मुझे लगता है इनकी पोस्ट या पोजिशन कुछ ऐसी होगी जहाँ ये डिसीजंस ले सकते हैं, इनके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके अंडर कोई काम करता है. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी कम लोगों के लिए लग रहा है, ये टीचर भी हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर, अगर ये है टीचर हैं या मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, यस, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हो सकता है काफ़ी गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, चार्मिंग लुक्स हैं, फीमेल भी हैं तो भी काफ़ी ब्यूटिफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, आई कैन सी दैट. लेकिन किसी को तो आप डिसअपॉइंट करने वाले हो, अगर दो ऑप्शंस हैं तो किसी को डिसअपॉइंट करने वाले हो या आप किसी से डिसअपॉइंटेड हो. मुझे ज़्यादातर जो लाइक 70% लगता है वो ये है कि आप किसी एक को डिसअपॉइंट करने वाले हो. ओके, समवन न्यू,
तो ये शादी पॉसिबल है, चांसेस हैं, लेकिन चांसेस लेट हैं इनकी तरफ से। जो शादी का ऑफर, प्रपोजल या शादी को लेकर जो भी बात फिक्स होगी, वो अभी जल्दी नहीं हो सकता। इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, इसमें टाइम लगेगा। शायद इतना टाइम लगेगा इसीलिए भी आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से जल्दी सॉलिड ऑफर नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी लग रही है, इतनी इजी गोइंग है नहीं ये। जस्ट अ सेकेंड। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगर आप अभी कंफ्यूज हैं और आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपका डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैसेज है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप अगर किसी सोल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं, किसी क्लैरिटी तक पहुंचना चाहते हैं, या किसी एक डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो सारा कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर होने वाला है। अगर दो लोग थे आपकी लाइफ में तो भी कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। अगर कोई एक ही है तो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि वही है या ये नहीं है वही जिनके साथ आपकी शादी होगी। तो कंफ्यूजन जल्दी क्लियर होने वाला है। ऑलवेज आउट ऑफ टेबल, ऑफकोर्स। मुझे लगता है व्यूअर्स, आप बहुत करीब हैं किसी न्यूज़ के। आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल सकती है जिसको लेकर आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी, काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा। मुझे लगता है कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। मुझे लगता है व्यूअर्स, आप आपको दिख रहा है कि किसके साथ आपका इतना इंटेंस कनेक्शन है, आपको दिख रहा है, पर आप उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, ये दिखता है। यू कैन सी कि यही इंसान है वो जिसके साथ आपका ऐसा बॉन्ड है, इतना इंटेंस अट्रैक्शन है, इतना इंटेंस केमिस्ट्री है, बट स्टिल यू आर नॉट एड्रेसिंग दैट फैक्ट। और आप अभी भी कन्फ्यूज कन्फ्यूज प्ले कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, जल्दी आप एक डिसीजन कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आपको कोई हेल्थ इशू था, या आपके पर्सन को कोई हेल्थ इशू था, या आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू था, जो भी डियर एंड नियर वंस हैं आपके, तो वो हेल्थ इशू अब ठीक हो जाएगा, रिकवर कर सकते हैं। वो जो भी हैं जिनका भी हेल्थ इशू है, यहाँ पर हेल्थ इम्प्रूव हो रही है किसी की, ऐसा लगता है। ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। अगला मैसेज है, नो नीड टू वरी। आपको व्यूअर्स चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी शादी के विषय में हो, या आप अभी कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, इसीलिए आपको बहुत चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ डिवाइन आपको मना कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे आपकी शादी होगी, हो सकता है वो फायर साइन हो। फायर एंड एयर, एयर साइन। पर ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर साइन नहीं बोला है मैंने आपका या आपके पर्सन का, तो सिचुएशन आपकी नहीं है। सिचुएशन आपकी हो सकती है, मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं,
क्योंकि रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए होती हैं। यस मुझे यहाँ पर शेर नजर आया है, हो सकता है लियो आप या आपके पर्सन कोई लियो हो सकता है। जिनसे आपकी शादी होगी वो नेचुरली काफी गुस्से वाले हो सकते हैं, डोमिनेटिंग थोड़ा सा उनका नेचर हो सकता है। यस और वो आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सिटी ही है, लाइक उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं आपके आसपास ही रहते हैं। तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग, और इससे ज़्यादा मुझे मैसेजेस यहाँ नहीं मिल रहे हैं। जो मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे थे मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, रिलेट करती है, थोड़ा बहुत भी गाइड करती है, 1% भी अगर हेल्पफुल रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं हमारी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप लोग अपकमिंग रीडिंग्स के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।